भी ओस पड़ रही है क्या? अभी भी ओस पड़ रही है। अंकल जी देख रहे हैं कि लड़के ये क्या कर रहे हैं, मोबाइल चालू करके मोबाइल से बात कर रहे हैं। ये हुई ना बात, ये है अपना सुबह का नाश्ता। एलविश यादव ही नहीं, बहुत लोग हैं। नहीं नहीं, मेरा भाई तो भाई है, वो तारा भाई जो कहते हैं। बन गया भैया। लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट, चलो जवान बढ़े चलो, लेफ्ट राइट लेफ्ट। हेलो, आप सभी का स्वागत है दोस्तों एक और दूसरे व्लॉग में। तो भाई सुबह के बच रहे हैं अभी 8 और आज सुबह सुबह उठ गए हैं। सब सुबह उठ तो जाते हैं लेकिन इतना जल्दी निकलते नहीं है, अपना नहाते सबसे नहाए वहाए नहीं है। अब चलेंगे हम लोग भाई कहीं घूमने और शूट करेंगे व्लॉग। जैसे आज जाने वाले थे सुबह सुबह मणिकर्णिका मंदिर, महादेव का मंदिर है क्योंकि आज महाशिवरात्रि है। हैप्पी महाशिवरात्रि टू ऑल। तो लेकिन आज जा नहीं पाए, तो कोई बात नहीं भाई, वी आर नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, तो सुबह नहीं उठ पाए। लेकिन कुछ ना कुछ तो आज शूट करेंगे ही। मैंने सोचा था कि यार मंदिर जाएंगे, दर्शन भी हो जाएंगे, व्लॉग भी शूट कर लेंगे, लेकिन नहीं हो पाया तो नहीं हो पाया। कोई बात नहीं। ओस पड़ रही है क्या? अभी भी ओस पड़ रही है। कहाँ चल रहा है भाई मैक्स? पीछे भी है पब्लिक। सही बात है, यही मेडिकल से मुड़ा ले रहे हैं। भाई भूख लगी है, कुछ नाश्ता करना है। कौन सा कॉलेज है ये? ये मेडिकल कॉलेज मोतीलाल। अंकल जी देख रहे हैं कि लड़के ये क्या कर रहे हैं, मोबाइल चालू करके मोबाइल से बात कर रहे हैं। क्या बात, सुबह सुबह हमको पागल घोषित कर दिया गया। बोरी लग रही है ना? बोरी है बे, पब्लिक को पता चल रहा है। कहाँ मिलेगा भाई, टहलने निकले हो, ज्यादा तेल है गाड़ी में, कहाँ मिलेगा नाश्ता? चाहिए अपन को नाश्ता, क्या बता रहे? यादव कचौड़ी नाश्ते में सुबह सुबह, और क्या सब्जी रोटी दाल चावल खाओगे? कॉपीराइट आ जाएगा। अबे YouTube का CEO चेंज हो गया, पता है कि नहीं? मुझे बना दो ये दुकान में, ये पीछे बीकानेर घर ये तुम सा भाई आ गए हैं सुबह सुबह नाश्ता करने। देखते हैं क्या मिलता है। चाबी तो लगी है भाई, अरे बाप रे बाप। ये हुई ना बात, ये अपना सुबह का नाश्ता और ये गंदा चेहरा। अरे यार ये गंदा चेहरा है अपना, गंदा सबसे गंदा चेहरा दिखाएंगे भाई। हमारा गंदा चेहरा नहीं है वो, ठीक है। मैं तो ब्रश किया भैया, आप बोले तभी ब्रश किया हूँ, गाड़ी चमकाया हूँ ताकि भाई भैया को पिकअप कर सकूँ। आजकल वाईटी बन गया ना, वैभव वाईटी। अब तो भाई कहाँ चल रहा है अपने को, क्या बात है? लो कुछ कर नहीं रहे, कैमरा पकड़ लो। क्या दिखाना क्या चाह रहे हैं आप, कैसे स्टार्ट होती है? दिखाना ही चाह रहे हैं कि देखो, अरे वो पीछे वाले सवारी नहीं बैठे हैं, बैठ गए बुक के। देखो ये हम ऑडी Q7 चला रहे हैं जो ऋतिक रोशन ऐड करता है, और ये चलते चलते Q8 बन जाती है। ये लौंडे अपने गाड़ी में कितने का पेट्रोल डलाते हैं। ये ए ए ए ए बस बस बस, टंकी फुल हो गए। समझ अभी फिर आगे चल के अगले वो सरकार का भला करना है भैया। अभी ये बताओ इतना ज्यादा तेल कैसे डलवा लेते हो? ये बात ये ना, सरकार को प्रॉफिट देना तो हर जितनी फुलिंग स्टेशन देखेंगे वहाँ डला रहे हैं। अच्छा ये बात, अभी आगे चल के भी डलाएंगे। अच्छा ये बात, मतलब 300 भी देखेगी उतने पे डलाएंगे, 300 सब पे। अबे शर्म खाओ भाई, शर्म खाओ। अपने काम चलाना है, 300 डलवा रहे हो भाई, तू 100 रुपए का डलवाता है बाइक पे, झूठ मत बोल। तो भैया गाना नहीं बज रहा क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। टाइम है भाई, बाकी ट्रैफिक है आपको। ये शीशा बन गली गाड़ी हमने अभी धुलवाई है, अभी धुलवाई देख रहे, इतनी शाइन कर रही है। ओह माय गॉड, ऑटो भी है इसमें लेकिन काम नहीं कर रहा भाई। हम लोग अभी वही बात कर रहे थे कि जो ब्लॉगिंग करते हैं, जो मतलब
अच्छे खासे सब, जिनके अच्छे खासे सब्सक्राइबर हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलते हैं। एल्विश भाई हो गए अपने यादव ही नहीं, बहुत लोग हैं। नहीं नहीं, मेरा भाई तो भाई है, वो तारा भाई चौके तो बस यही कहना चाह रहा था कि भाई वाकई ही मुश्किल है सर ड्राइव करते करते व्लॉगिंग करना। पहली बात तो मोबाइल हैंड नहीं कर, फिर भाई ने एक बात याद दिलाई कि भैया उन लोग की गाड़ी ऑटोमेटिक रहती है। अपनी ऑडी क्रूज है, अपनी तो महंगी वाली है ना, एक्स्ट्रा ऑटोमेटिक है अपनी, उसमें भी दिक्कत है। लेकिन यार फिर भी ऑटोमेटिक हो चाहे कुछ भी हो, पर मुश्किल तो है, इतना ईजी नहीं। मुश्किल बात बात भी करते रहो, थारा भाई कैमरा भी दिखाते रहो, कैमरा भी दिखाते रहो और गाड़ी भी चलाते रहो, कंसंट्रेशन इधर उधर हो जाता है। खाली रोड पे सही है, पर भीड़ भाड़ के लिए नहीं सही। थारा भाई जोगिंदर। भाई वहां से तो आ गए, नहा धो के रेडी भी हो गए, लेकिन वहाँ से आने के बाद पता चला कि आज मैडम का, अरे कहाँ गई, आज पेपर है, उस पेपर है ना तुम्हारा आज, तो आज इसका बीएड का पहला पेपर है, तो उसको चलना है छोड़ने। तो फटाफट तैयार हो जाते हैं, नाश्ता करते हैं, चलते हैं छोड़ने। What you gonna do? घर तो आ गए अपने, लेकिन आज अंडा करी खाने का मन था, सोच रहा हूँ अंडा करी खाया जाए आज, सोच रहे क्यों ना खुद बनाया जाए, तो मूड बना है खुद बनाने का, देखते हैं बनाते हैं कि नहीं, अगर बनेगा तो दिखाते हैं आपको। ओहो, आज कौन बना रहा है? क्या पी रहे हो? हाँ हाँ पी रहे हैं, मेरा उधर रखा है। बन गया? चल रहा है। बहुत मेहनत करा आज बेचारा। हाँ मैं बन गया भैया। लग तो बहुत टेस्टी रहा है ना भाभी, कमाल कर दिया आज, कमाल। भाई आए हुए थे थोड़ा टहलने, काफी खाली है आज, बाकी ये घर के सामने ही छोटा सा पार्क है, तो सोचे वहीं पे टहल लिया जाए। तो कुछ ऐसा ही था अपना आज का दिन, और एक ये चीज़ शेयर करना चाह रहा था मैं आप लोग से कि जो मैंने अपने पिछले व्लॉग में बताया भी कि हम कहीं जाएंगे, कहीं बाहर जाएंगे, घूमने जाएंगे कहीं, तो उसका प्लान चल रहा है, बात हो रही है, लग रहा है कि हाँ, तो मतलब कुछ पहले ही प्लान हुआ था। मैं एग्जैक्टली जब वो पूरा डन हो जाएगा तब मैं एक एक चीज़ें डिटेल में बताऊँगा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ उम्मीद है जाने की। बाकी जब पूरा प्लान बन जाएगा, पूरी चीज़ें हो जाएंगी, तो मैं एक बार आप लोग को बताऊंगा कि कैसे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, एक एक चीज़ दिखाऊंगा भी, और उस समय मैं अपना चैनल थोड़ा सा अपग्रेड करूंगा। और जैसा कि मैंने बताया था कि भाई हम लोग यहाँ पे अपना बिजनेस है तो यहीं रह जाते हैं, कोशिश करते भी हैं कि मौका मिला है कहीं चलें, तो नहीं हो पाता है, नहीं जा पाते हैं, पूरा अपना एफर्ट लगाएंगे। और वीडियोज़ इधर भी थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही बिजी रहने के कारण वीडियोस में काफ़ी गैप हो गया है, पहले दो दो तीन तीन दिन पे वीडियोस मैं डाल दिया करता था, लेकिन अब वीडियोस इधर बीच नहीं डाल पा रहा हूँ, एक एक हफ्ते पे आठ आठ दिन पे वीडियोस डल रही हैं, जो कि ये चीज़ अब ऐसा नहीं होगा,
हर अल्टरनेट डेज पे तो आएंगी ही आएंगी, कोशिश रहेगी कि हर रोज आएंगी। तो भाई टहला जा रहा है सही है, लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट, चलो जवान बढ़े चलो, लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट। झूले पे चलना है, झूले पे जा रही हो, झूला झूलोगी? अच्छा नहीं टहल झूल। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि मतलब चीज़ें सोचता हूँ कि क्या एक्सप्लोर कराऊँ, ऐसा क्या दिखा दूँ कि व्यूवर्स को मज़ा आ जाए, बहुत अच्छा लगे, लेकिन फिर नहीं उतनी बाहर निकलने भी नहीं पाते उतना, और अगर निकलेंगे भी तो प्रयागराज में ही रहेंगे तो कहाँ ही जाएंगे। लगभग मोटा मैंने जितनी बढ़िया फेमस चीज़ें थी दिखा दिया है, कुछ चीज़ों को छोड़ के जो कि आने वाले व्लॉग में कहीं कभी ना कभी मिलेंगे। तो क्या आप क्या कह रही है, इनका पता नहीं कुछ अलग ही परसेप्शन है, क्या बता रही है बताओ। रोको पहले। लोगों को आपकी पर्सनल लाइफ डेली का रूटीन देखने में ज्यादा, हटो सामने से हटो, हाँ तो बोलो तो पहले, मतलब डेली का रूटीन देखने में ज्यादा इंटरेस्ट है लोग सुबह से लेके रात तक। कहना ये है कि जैसे कि अगर तुम्हें कोई कंटेंट नहीं मिल रहा है तो अपना डेली व्लॉग करो, डेली रूटीन दिखाओ, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये बोरिंग ना हो जाए। मुझे खुद व्लॉग डालते हुए बोरिंग फील होता है। ये अलग ही मतलब एकदम अड़ी हुई है कि नहीं कुछ बोरिंग नहीं होगा, तो व्लॉग आएंगे। अब ये वाला जो व्लॉग आप देख रहे हो ना, इस व्लॉग के बाद व्लॉग आएंगे। बस थोड़ा सा प्यार बनाए रहो भाइयों, और थोड़ा सा और सपोर्ट करो यार, एटलीस्ट मेरा चैनल मोनेटाइज करा दो भाई। मिलते हैं फिर, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो भाई, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। गुड नाइट।